नमस्ते दोस्तों। दोस्तों एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई कसाई तो उसको अपने हत्थे में ले ही जाएगा। और यही हुआ है, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने राहुल विंची को अपने हत्थे में चढ़ा ही लिया है। पिछले दिनों जी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में हमने और आपने देखा था कि किस प्रकार से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बड़ी बेबाकी के साथ में ये बात कही थी कि राहुल गांधी के पास में चार चार पासपोर्ट हैं और उसको मैं कोर्ट में घसीटने वाला हूँ। ये ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि 2009 में 2004 में भी मैंने ये बात उठाई थी, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल सांठगांठ होती है इसलिए ये काम उस समय पर भी नहीं हो पाया था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी अभी 2015 से कंटिन्यू इस विषय में लगे हुए हैं। उन्होंने इससे पहले भी ईडी को भी इस बार की जानकारी दी थी कि ये जो राहुल विंची है इसके पास में लंदन की नागरिकता है। यही नहीं, वो वहाँ की कंपनी का डायरेक्टर भी है। राहुल गांधी भी उसमें नाम है, राहुल विंची भी उसका नाम है। सीधे तौर पर वो वहाँ की नागरिकता को रखता है, इटली की नागरिकता भी रखता है। 1970 और 1972 में पैदा हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये दोनों के दोनों इटली की नागरिकता रखते हैं। और जिसके ऊपर अभी तक के इलेक्शन कमीशन ने, ईडी ने या फिर कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अब जो ताबड़तोड़ जांच चल रही है उसको देखते हुए यही लगता है कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब रही आगे की बातें, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो लंदन इटली के पेपर्स दिखाए हैं, जो रिलीज़ किए हैं, उनके आधार पर क्या क्या हो सकता है। राहुल विंची, क्योंकि इंडिया का ये नियम है कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता रखने वाला व्यक्ति इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, इसलिए अपनी जितनी भी नागरिकताएं हैं सब नागरिकताओं को छिपाने के कारण से हो सकता है कि जिसको अहमद पटेल फर्स्ट फैमिली बोलता है उस फर्स्ट फैमिली का इकलौता वारिस जेल भी जा सकता है। बड़ी अच्छी खासी उसको सज़ा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इसी के साथ साथ उसको जालसाजी के लिए, फ्रॉड करने के लिए और भी कठिन कारावास हो सकते हैं। इसी के साथ साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो दिखाया है कि लंदन की कंपनी में बकायदा इसी नाम से, राहुल विंची नाम से, उसने टैक्स भी जमा किया है, ये सब चीज़ें हमारे भारतवर्ष में एक संगीन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध माना गया है इसको। अब देखा जाएगा कि क्या करता है ईडी, क्या करता है सुप्रीम कोर्ट और क्या करती हैं यहाँ की जांच एजेंसियाँ, और सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन, कि वो उसके इस नॉमिनेशन को फेल करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान अगर अपने संविधान के लिए जाना जाता है तो उससे ज़्यादा इस बात के लिए जाना जाता है कि वो संविधान के लूपहोल्स भी बहुत सारे हैं और यहाँ के न्यायालय का ढुलमुल रवैया बड़ा फेमस है। आप इस वीडियो को, यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे और आप चाहते हैं कि इस जानकारी को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना आवश्यक है, तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अपने इस चैनल को बचाने के लिए इसके सभी वीडियोज़ को एक बार फिर से, चाहे आपको देखना पड़े, अवश्य देखें, क्योंकि लगातार फेक इसके ऊपर रिपोर्ट्स हो रही हैं और फेक रिपोर्ट्स की वजह से एक बार को पूरा चैनल जो है वो एक बार को तो डिप लेता ही है, मतलब डुबकी तो मारता ही मारता है, तो बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट हो जाती हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है और इस चैनल को आप बचाए रखना चाहते हैं तो उसको कंटिन्यूसली, इसके सभी वीडियोज़ चाहे दोबारा देखें लेकिन देखें अवश्य। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।